हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया विदंकुर में। आज आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम कंप्लीट हो गया और आईबीपीएस पीओ मेंस था आसानी से निकल जाए ऐसा देखने को नहीं मिलता। हर साल कोई ना कोई सब्जेक्ट अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलता ही है और इस बार भी यही देखने को मिला। क्वांट ने अपना सारा रंग दिखा दिया कि हम किस लेवल तक एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब कि मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, क्वांट वी लाइक अब मेरी कट ऑफ क्लियर करके दिखाओ। वैसे तो जिस तरह का लेवल आया है तो कट ऑफ भी बहुत ही कम जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वांट की कट ऑफ को लेकर परेशान है कि हमारी कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारे 4, 5, 6 इस तरह के ही अटेम्प्ट हो पाए हैं। बिल्कुल क्लियर होगी। जब जीए का लेवल टफ आता था कट ऑफ क्या देखने को मिलती थी, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, तब भी स्टूडेंट्स परेशान होते थे कि हमारी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, जीए में बहुत कम अटेम्प्ट है। लेकिन हुई। उसी तरह अब क्वांट में भी आपको देखने को मिलेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर, जब क्वांट का सब्जेक्ट कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि आईबीपीएस पीओ मेंस नहीं दे रहे हैं, आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं। किसी का कमेंट आया कि क्वांट के लेवल के आगे आज सारा मोटिवेशन फेल था। किसी का कमेंट आया कि क्वांट का एक एक क्वेश्चन 15-15, 20-20 मिनट में हिल पा रहा था। देखो दोस्तों, कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए टफ नहीं था क्वांट, सभी स्टूडेंट्स के लिए टफ था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत कम अटेम्प्ट क्वांट में हो पाए हैं। तो आपके कम अटेम्प्ट हैं, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल कट ऑफ क्लियर आपकी हो जाएगी। बाकी आप सभी कमेंट में जरूर बताएं कि क्वांट में आपके कितने अटेम्प्ट हुए, कितने क्वेश्चन आपने 2 नंबर के और 1 नंबर के अटेम्प्ट किए हैं, ओवरऑल अटेम्प्ट आपके क्या रहे हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।